का ऐसा इलाके के साथ इस प्रकार का जुड़ाव होता है कि इलाका की पहचान और इलाका अपनी पहचान उन नेताओं के साथ देखता है। बहुत वर्षों तक दिवाली में बंसीलाल जी की स्थिति नहीं थी, उस तरह से देखते थे। एक समय में चौटाला जी की स्थिति सिरसा जिले को लेकर थी, अब बदल रही है स्थितियां। आदमपुर की स्थिति भी यही कि भजन लाल जी के साथ एक पहचान पूरे हरियाणा में कई दशकों से, जब से मैं एक विद्यार्थी था, विद्यार्थी में सपना तब से देख रहा हूँ, तो वो पहचान भी एक अपने आप में भजन लाल के जी के साथ आज भी इस इलाके के लोग अपने आप को जो है वो जोड़ते हैं, उनके साथ अपनी पहचान। और अपने राज्य में 2000 क्यूसेस पानी
पीने के लिए पर दिन इस्तेमाल होता है पर डे, और 1000 क्यूसेस 50 क्यूसेस पानी दिल्ली पीने के लिए पर डे लेती है। और ये पानी 60 साल पुरानी नहर से आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और सबकी प्राथमिकता भी ये है कि एक अल्टरनेट चैनल रहना चाहिए, बहुत पुरानी नहर। दिल्ली का पानी भी उसी में से आता है 450 क्यूसेस, बाकी हम यहाँ से यमुना से लेते हैं। हम लेके आते हैं भाखड़ा मेन और आगे नरवाना नहर से, और उसके बाद सीएलसी से उसको दिल्ली को देते हैं। तो दिल्ली को भी पानी जो चाहिए या हमको भी जो पीने का पानी चाहिए, किसी दिन मान लो कोई कठिनाई हो गई तो उस दिन पीने के पानी का इंतजाम के लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था चाहिए। सिंचाई पीने का पानी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमेशा। तो एक वैकल्पिक नहर के निर्माण से मना करना, और इतनी बड़ी आबादी जहां प्रदेश की है, जहां दिल्ली की, उसकी चिंता किए बगैर मना करना, मेरे मन में हर हरियाणा वासी के मन में सवाल है, दिल्ली वासी के मन में भी सवाल है कि दिल्ली के भी हैं या नहीं है, हरियाणा के हैं या नहीं है। हरियाणा का होने का क्लेम करते हैं, दिल्ली का होने का क्लेम करते हैं, लेकिन पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जब बात आती है तो ऐसे डिनायल करते हैं, इस प्रकार से सरेआम मना करते हैं। तो मुझे लगता है किसी के हृदय में भी इनके प्रति कोई किसी भी प्रकार का प्रेम या लगाव अब किसी हरियाणा वासी के मन में, दिल्ली वाले भी इस विषय पर जरूर उनके मन में ये बात आ गई होगी कि अल्टरनेट चैनल जो समसामयिक आवश्यकता है, हर चीज के रहते हैं अल्टरनेट चैनल। हम भी ये व्यवस्थाएं करते हैं कि कोई दिक्कत हो जाए तो इन्वर्टर लगाते हैं, कुछ दूसरे सिस्टम बनाते हैं, अल्टरनेट व्यवस्थाएं हर जगह रहती है। इस पीने के पानी की अल्टरनेट व्यवस्था ये समसामयिक आवश्यकता है। जहां तक अभय सिंह चौटाला जी का उम्मीदवार भी लड़ रहा है, और जहां तक आप सबके सर्वे और बाकी सब मैं देख रहा हूं तो वो कहां तक पहुंचेंगे इसके बारे में उनके मन में भी सवाल होंगे, सब लोगों के मन में भी सवाल है। तो इस नाते से ये चुनाव है, चुनाव हरियाणा के लोग इसको बहुत त्योहार की तरह से लेते हैं। जितना चाव हमारे यहाँ चुनाव में चढ़ता है, जैसे किसी त्यौहार पे चाव चढ़ता हो, तो पूरा जो है ये एक उत्सव की तरह से है। लोकतंत्र का उत्सव बहुत शानदार तरीके से हो, और आप सब भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रख निभा रहे हैं, उन्हें आपका मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। तो दिवाली के त्यौहार की पुनः आपको बधाई देता हूँ। इतनी बात मुझे कहनी थी, बाकी आपने कोई सवाल है तो जवाब देना। जी सर, बाहर लाया गया बीजेपी का फायदा, ये सब कानूनन प्रक्रियाएं हैं और सिस्टम की प्रक्रियाएं हैं, इसमें दल या दल की राजनीति का कोई संबंध नहीं होता। तो उनको अपने हिसाब से पैरोल मिलती है और उनको उस हिसाब से पैरोल मिली है। पैरोल के लिए परमिट, एक मिनट सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। संवैधानिक पोस्ट पे हैं डिप्टी स्पीकर साहब, वो नतमस्तक हो गए वहाँ पे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? रेपिस्ट है वो, सजा आफ्ता है उनके आगे, वो क्या मैसेज देना चाहती है? नहीं, मैं देता हूं। देखिए, आस्था एक व्यक्तिगत विषय है। पहले भी बहुत ऐसे व्यक्तिगत आस्थाएं अनेक महापुरुषों के प्रति लोगों की रहती रही। इसकी किस पर आस्था है, उसके जीवन में क्या क्या चीजें आती हैं, वो उसका अपना एक जीवन है। लेकिन आस्थाएं व्यक्तिगत होती हैं, और आज भी अनेक ऐसे लोगों की आस्थाएं, बहुत बड़ी संख्या में हजारों लोगों की आस्थाएं उनके प्रति हैं, और वो रहेंगी। केवल मेरे आपके किसी के कहने से आस्था का चक्र कभी जो है वो पूर्ण नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। और भाजपा में सभी प्रकार की आस्था रखने वाले लोग हैं, जो भगवान शिव में भी रखते हैं, राम में भी रखते हैं, और जो है बहुत सारे देवताओं में भी रखते हैं, और बहुत सारे संतों में भी रखते हैं। तो इसलिए आस्था एक व्यक्तिगत विषय है। इस विषय पर मुझे लगता नहीं कि कोई सवाल उस प्रकार का बनता है। आप किसी की आस्था को जो है वो निर्धारित नहीं कर सकते, आस्था एक व्यक्तिगत विषय। कल ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह आरोप लगाया भाजपा पे भी और कांग्रेस पे भी कि जब हमारी सरकार गई थी तो खजाने में 2000 करोड़ सरप्लस का अमाउंट था, और पहले हुड्डा ने और फिर खट्टर सरकार ने प्रदेश को और हर पैदा होने वाले बच्चे को कर्ज में डाल दिया। इस पर क्या कहेंगे? धनखड़ जी, मैं उससे सवाल था, उसी से जुड़ा हुआ है, साथ का बात कर रहे हैं। दो मुद्दे हैं, एक हत्यारा है, मैं नहीं कह रहा, आपका संविधान कहता है, पर आप नहीं, और दूसरा दुष्कर्मी।
देश का कानून सबके लिए काम करता है। हमारे यहाँ जो जिस प्रकार की जो गलती करता है उसकी सजा उसको मिलती है और उनको मिल रही है, उसके कारण से वो जेल में और उसके कारण से जो उनकी एक बल्कि दीर्घावधि की एक तरह से जेल हुई, तो उनको जो आप कह रहे हो उनकी सजा उनको मिल रही है। तो उस नाते से उस विषय को इस प्रकार से उसकी प्रस्तुति जो आप कह रहे हो उसके कारण को ही वो जेल में, तो इस नाते से ये एक अलग विषय है। किस व्यक्ति की आस्था किस व्यक्ति में है, किस कारण से है, तो उनका अपने व्यक्तिगत मसले हैं, ये सार्वजनिक मसले नहीं हो सकते और ये सरकारों के मसले भी नहीं है, क्योंकि सरकारें जो है वो यहाँ पर पंथ निरपेक्ष होकर काम करती है। सरकारें आस्थाएं तय नहीं करती है किसी, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, सरकार आस्थाएं तय नहीं करती है, आस्था अपनी अपनी होती है। आस्था ही तो भारत ऐसा राज्य है जिसमें कहीं भी आस्था रखने के लोगों के अपने अधिकार है, वो कर लीजिए मामला। कल यहीं पर बैठकर रामविलास शर्मा जी ने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो एक ऐसे पादरी से मिले जिनके ऊपर न जाने कितने ही धर्मांतरण के और अन्य मुकदमे चल रहे हैं, तो उनके ऊपर सवाल उठाना और इनके ऊपर सवाल उठाना वो सही और ये गलत कैसे? मुझे जानकारी नहीं है वो किन पादरी को मिले। रामविलास जी ने आपको बताया तो रामविलास जी की बात को आप जारी रखिए या सवाल उन्हीं से पूछते, मेरी जानकारी भी उन्हीं से नहीं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने आरोप लगाया कि 2000 करोड़ सरप्लस का खजाना वो छोड़ के गए थे। आपने कहा लेकिन हरियाणा उन राज्यों में से है जिनकी इकोनॉमी मजबूत है। आज देश की दुनिया की इकोनॉमी में कर्ज की भूमिका है नहीं है, मैं भी मंत्री रहा हूँ, दो मंत्री मेरे साथ साथ बैठे हैं, लेकिन उसकी लिमिट रहती है कि कहाँ तक ले सकते हैं, हमारी पेइंग कैपेसिटी कैसी है। उतना जैसे हरियाणा एक मजबूत आर्थिक दृष्टि से राज्य है, अड़ोस पड़ोस के राज्यों से मजबूत है, पंजाब से तो बहुत मजबूत है जहाँ आप राज्य की सरकार है, और हमारा बजट भी 170,000 करोड़ का, उनका 155,000 करोड़ का, और उनका जो पूंजीगत व्यय है हमारा 34% है, उनका घट के कोई 10-12% पे आया हुआ है, तो हरियाणा इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत सुधार है, चिंता मत कीजिए। क्रिकेट साहब दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं चुनाव बदलाव का चुनाव है, इसके बाद में बदल जाएगी तस्वीर, बदलेगी प्रदेश की और मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं। ऐसा है कि जिस सिलसिले से चल रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी तो कांग्रेस रोज बदल रही है। जो बात मैं कहना नहीं चाह रहा था उन्होंने उस तरफ मेरे को इशारा किया था कि भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में कांग्रेस को जोड़ कर रखी है, कांग्रेस के बिखराव के बीच कांग्रेस के ही नेतृत्व में मौजूद हैं, उनके निर्णयों में मौजूद हैं। ये जो हमने राजस्थान का सारा देखा या हरियाणा में जो हम बिखराव देखा, ये दो दलित नेताओं के साथ जो व्यवहार होते हुए देखा, बाकी लोग जो निर्णय कर रहे हैं और आगे भी बहुत लोग निर्णय की प्रक्रिया में है कि कांग्रेस से कैसे हम दूर जाएं, इस प्रक्रिया में है सर आदमपुर चुनाव के। ये जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी दीपेंद्र सिंह जी उसका ही ये परिणाम है, कांग्रेस पार्टी या नीचे जा रही है। आदमपुर चुनाव की बात कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की खुद की रुचि नहीं है आदमपुर का विकास कराने, चाहे वो कांग्रेस के अंदर चल जाए चाहे वो बीजेपी के अंदर चल जाए, तो आपको लगता है आदमपुर? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति किसी इलाके के साथ उसकी पहचान बनती है तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा रुचि उस इलाके के कामों में रखता है। मैंने बहुत पहले भी जब ये बीजेपी में नहीं आए थे अनेकों फोटो इनके मनोहर लाल जी के साथ देखे, जब ये आदमपुर के कामों को लेकर जाते थे तो इनकी पर्याप्त रुचि है जो उन सारे जो है घटनाओं से अभिव्यक्त होती है कि हर बार कोई ना कोई काम लेके पहुंचते थे जब तो ये बीजेपी में भी नहीं। धनखड़ साहब मैं आपकी इस बात का बिल्कुल स्वागत करता हूँ कि होना भी चाहिए, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से उनके आदमपुर का विकास नहीं हुआ और उनकी मजबूरी हो चुकी थी कांग्रेस को छोड़ना, जिसकी वजह से वो बीजेपी में गए, विकास नहीं हुआ। देखिए दोनों बातें जो आप कह रहे हो, जहाँ पर कांग्रेस जहाँ पर विपक्ष की सरकार है विपक्ष के MLA है वहाँ पर विकास नहीं होगा, जहाँ पर बीजेपी के है वहाँ पर होगा, मजबूरी के कारण गए। दोनों बातें आप को मैं उत्तर देता हूँ। पहली बात ये है कि हमेशा विकास एक ऐसी चीज है दिल मांगे मोर, ये हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये कभी आता नहीं है, और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए। सर अभी एक समय था जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे तो शायद आदमपुर टॉप प्रायोरिटी रहा, निश्चित रूप से बहुत सारे इलाके उस प्रकार से टॉप प्रायोरिटी रहे हैं, नाम भी रहा है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री की बड़ाई करूंगा कि उन्होंने सभी विधायकों को
विपक्ष के विधायकों को भी, वो भी कहते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, विकास के लिए समय समय पर धन दिया है, जो योजनाएं लेकर पहुंचे हैं उन योजनाओं को पूरा किया है। मैं ये कह सकता हूँ सदन में भी, मेरे मंत्रिमंडल के जो है जो मंत्री मेरे बैठे हुए हैं, मैं भी जब था विधानसभा में भी कोई विपक्ष का व्यक्ति कोई भी मुद्दा उठाता था उसकी हाँ करते थे और उसके क्षेत्र में उसको पूरा कराते थे। सर भव्य बिश्नोई, भव्य बिश्नोई हमारा कैंडिडेट है, यहाँ से भाजपा का कैंडिडेट भव्य बिश्नोई है। उसके दादा ने क्या किया, उसके पिता ने क्या किया, उसका सवाल नहीं है। भव्य बिश्नोई ने क्या किया, उसकी क्या अचीवमेंट है, कि किस उपलब्धि के लिए आप वोट मांग रहे हैं? देखिए भव्य बिश्नोई एक शुरुआत कर रहे हैं, उनकी बारी की शुरुआत इस चुनाव से हो रही है। वो एक लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन अब एक अच्छे शिक्षित नौजवान है और विरासत भी हमेशा साथ रहती है इस देश में, जो आप कह रहे हो कि उसको छोड़ नहीं सकते। निश्चित रूप से एक उन संस्कारों के साथ भी है जो परिवार की विरासत है। निश्चित रूप से आज की तारीख में जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है दुनिया के, नरेंद्र मोदी जी, उस पार्टी का टिकट उसको है। हरियाणा सरकार के काम की अपेक्षाओं के साथ वो इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, तो आदमपुर की जनता बहुत थोक में उनको आशीर्वाद दे रही है और ये आप सबकी रिपोर्ट से भी मैं देख रहा हूँ। भाजपा के संघीय सांसद आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, वो गायब हैं। अभी इस चुनाव प्रचार में सभी लोग शामिल होंगे, दीपावली के बाद सब लोग शामिल होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।